Hello dear students, this is Rupali Singh and I welcome all of you in my channel Learn Law Better. So start करते हैं हम आज का अपना session 6th of October के important current affairs news जो है आज हम discuss करने वाले हैं, जिसमें कि क्या क्या important updates होने वाली हैं, जैसा कि हम discussion करेंगे important exercises का, यानी कि जो भी army या navy के exercises होती हैं India के साथ हमारी other फॉरेन कंट्रीज से, उनको उनको क्या नाम से बुलाया जाता है, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन होगा. साथ ही में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसको मिला है मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में, इसका डिस्कशन होने वाला है. जीआई टैग्स का डिस्कशन होगा. साथ ही में हम डिस्कशन करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट कंट्रीज का. तो ये सभी चीज़ें आज के सेशन में रहने वाली हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल जूलॉजिकल पार्क किक स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ डैश वाइल्ड लाइफ वीक, यानी कि जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है उसने अपना कौन सा वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो अभी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है. ऑप्शन है आपके यहाँ पर 12th, 25th, 69th, 37th या फिर 3rd. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. साथ में अगर आप सेशन को में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है. आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं, और मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने स्कोर बन रहे हैं. बस हाँ, चीटिंग नहीं करनी है और कुछ भी मैच नहीं करना है. आप अपने सेल्फ खुद को आप असेस करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें. सो नेशनल जूलॉजिकल पार्क के स्टार्टेड सेलिब्रेशन ऑफ डैश वाइल्ड लाइफ वीक, और ये कौन सा वाइल्ड लाइफ वीक है, ये है आपका 69th वाइल्ड लाइफ वीक, क्लियर. और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी थीम आपकी जो है वो अनाउंस की गई है, और थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. व्हाट इज द थीम? दिस इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. कब से कब तक ये वीक मनाया जाएगा, है ना? तो कब से कब तक ये वीक सेलिब्रेट होना है? अक्टूबर 2nd से लेकर के अक्टूबर 8th तक, ठीक. एक और वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है. एक और वीक हमने इससे पहले कल के या परसों के सेशन में हमने डिस्कशन किया है, जो था आपका वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है. कौन सा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, वर्ल्ड स्पेस वीक, जो कि कब से कब तक सेलिब्रेट होना था, अक्टूबर 4 से लेकर के अक्टूबर 10 तक. और इसकी भी थीम जो है वो अनाउंस की जा चुकी है. वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम थी आपकी स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर. और जो मंथ है, ये जो मंथ है आपका अक्टूबर, इसे किस रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है? अक्टूबर मंथ को इस बार ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के उसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो इसको आपको याद रखना है कि ये कौन से मंथ को, दैट मींस कौन से मंथ को डेडिकेटेड है. सो दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति 11 कमेंस्ड इन अक्टूबर 2023 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो संप्रीति 11 कौन कौन से देश के बीच में होती है, ये आपको बताना है. ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो म्यांमार है, बांग्लादेश ऑप्शन है, नेपाल ऑप्शन है और श्रीलंका ऑप्शन है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रीति 11 आपका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में ऑर्गेनाइज की जाती है. तो अब कुछ यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे कि इंडिया के साथ में अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई एक्सरसाइज हो रही है, आर्मी से रिलेटेड है, सो दैट इज अस्त्र हिंद, अस्त्र हिंद. और एक और आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो है ऑसी इंडेक्स. ऑसी इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अभी आपने देखा संप्रीति है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। एक है आपकी शक्ति, वरुण और गरुण, ठीक। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? शक्ति जो है वो आर्मी रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है। वरुण एक्सरसाइज में नेवी पार्टिसिपेट करती है और गरुण एक्सरसाइज में एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। अभी हाल ही में एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होना है, किस दिन? 8 अक्टूबर को। ये इंडियन एयरफोर्स डे है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये है आपकी गरुण शक्ति, ठीक है। देखिए गरुण और गरुण शक्ति में डिफरेंस है। गरुण बोलेंगे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में, गरुण शक्ति बोलेंगे तो वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपकी आती है इंड इंडो कॉर्पैट, ठीक है। इंड इंडिया के लिए है और इंडो इंडोनेशिया के लिए है, कॉर्पेट ये आपकी एक्सरसाइज है और इसमें जो है नेवी पार्टिसिपेट करती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। दो एक्सरसाइज हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक है आपकी इसमें धर्मगार्जियन एंड नेक्स्ट है आपकी जिमेक्स, ठीक। धर्म गार्जियन की बात करते हैं, आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। जिमेक्स की बात करते हैं, नेवी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं प्रबल दोस्तिक, ठीक है। और ये आपकी इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक। चलिए कुछ और डिस्कशन भी करते रहेंगे इसी तरह से बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन दी विमेन्स जैवलिन थ्रो एट द एशियन गेम्स 2023 इन हांगजाओ। तो विमेन्स जैवलिन थ्रो जो है वो अभी किसने जीता है? और ये इंडिया की पहली महिला बन गई है जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन है अन्नू रानी, दीपा मलिक, रजिया शेख या फिर गुरमीत कौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नू रानी, ठीक है। अगर मेंस कैटेगरी में हम जैवलिन थ्रो में बात करें कि किसने गोल्ड मेडल जीता है तो वो हो जाएंगे आपके नीरज चोपड़ा। और साथ ही में सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला है, ये आपके के जीना है उनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क? नेशनल जूलॉजिकल पार्क में जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन चल रहा है उसकी इस बार की 2023 की थीम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड आर्ट, सेकेंड ऑप्शन इज पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज एंडेंजर्ड स्पीशीज अवेयरनेस एंड लास्ट ऑप्शन इज एनिमल अडॉप्शन कैंपेन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। थीम अभी मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया भी था कि इसकी थीम क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम यहाँ पर ओल्डर पर्सन्स का डे, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, ठीक है। और ये इसकी थीम क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, जिसकी थीम क्या है? एक्शंस फॉर पीस। 2 अक्टूबर को दिस ईयर, ठीक है, ऑन 2023 या फिर फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर, ठीक है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसकी थीम क्या है? रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज। 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे, जिसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल।
7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि कल हम कोकोनट डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड इसकी थीम क्या होगी? मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम क्या है? टचिंग द स्काई फॉर ग्लोरी। एंड एक बहुत ही अच्छा सा जो है एयर शो हो रहा है इलाहाबाद में एंड प्रयागराज की इस धरती पर, तो आप सभी इसको ज़रूर से देखें, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे मौके पड़ते हैं जब हमें अपने जो कंट्री है उसकी ग्लोरी को देखने का मौका मिलता है। सो 9th अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा? 9th अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन हैं इसके, टुगेदर फॉर ट्रस्ट। 10th अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर फेम्ड डैश गेट्स ज्योग्राफिकल रिकॉग्निशन विद GI टैग। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी बहुत फेमस चीज है जिसको अभी रिसेंट में GI टैग दिया गया है। ऑप्शंस हैं अरनी सिल्क, बसोहली पश्मीना, नागा चिली या फिर मलेही बादी दशहरी मैंगो। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको एलिमिनेट भी करेंगे तो भी आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि दशहरी मैंगो ये मलेही बादी में है। मलेही बादी आपके लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है जहाँ के दशहरी मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको GI टैग दिया गया है और ये कहाँ का GI टैग हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का GI टैग हो जाएगा। नागा चिली, नागा में ही पता है कि नागालैंड की चिली है भाई, ठीक है, इसको हम किंग चिली के नाम से भी जानते हैं, है ना, किंग चिली के नाम से जानते हैं। या फिर इसके और भी बहुत सारे नाम है, राजा मिर्चा, भूत जोलोकिया, ये सब इसको बोला जाता है। और ये कहाँ की है? नागालैंड की है। अब अरनी सिल्क हो सकता है आपको नहीं पता है कि ये किस स्टेट की है, लेकिन पश्मीना आप सभी को पता है कि ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बसोहली पश्मीना को अभी GI टैग दिया गया, जिसको 100 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अरनी सिल्क मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ये कहाँ का है, ये है GI टैग तमिलनाडु का, क्लियर। कुछ और जम्मू कश्मीर के जो आपके GI टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कनी शॉल हो गया, ठीक है, एक पश्मीना शॉल हर घर में पाया ही जाता है, ठीक है, बहुत क्रेज होता है हमारे घर की जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको कि नहीं एक पश्मीना शॉल तो होना ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका सेफरन, यानी कि केसर, जम्मू कश्मीर का GI टैग है, पश्मीना है ही है, ठीक है। हाथ से बनी हुई दरी, हैंड नॉटेड कारपेट, ये भी आपका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? GI टैग है। इसके अलावा पेपर मैची हो गया, ठीक है, एंड वॉलनट वुड कार्विंग हो गया, ये सभी इम्पोर्टेंट GI टैग्स हैं कहाँ के? कश्मीर के, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड the ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ the ODI वर्ल्ड कप by the ICC, यानी कि ODI जो वन डे क्रिकेट होने वाला है आपका, वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, उसके ग्लोबल एम्बेसडर अभी ICC में किसको बनाया है? ऑप्शन हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और MS धोनी। तो हिंट से आपको पता ही चल रहा है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, वन एंड ओनली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, है ना। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और अपॉइंटमेंट हुई है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में। सो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अजय जडेजा को, क्लियर, अजय जडेजा को। अगर वर्ल्ड कप की बात चल रही है तो इंडिया जो है वो कितनी बार चैंपियंस रह चुकी है? दो बार चैंपियंस रह चुकी है। कौन कौन से ईयर में? 1983 एंड 2011 में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है या फिर उसके कैप्टन कौन है? तो कोच सभी को पता ही है राहुल द्रविड़ है, ठीक है, एंड कैप्टन के रूप में सबको पता है रोहित शर्मा है, ठीक है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं एंड भूल जाते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज बीटन विच कंट्री टू
win gold in compound men event in archery at Asian Games 2023. आपको बताना है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को हरा करके आर्चरी एशियन गेम्स की आर्चरी में एक गोल्ड मेडल जीता है. ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान या फिर जापान. सो करेक्ट आंसर इज हियर साउथ कोरिया. ठीक है, इस टीम में कौन कौन था? ठीक है, ये आपकी एक इवेंट जो आर्चरी इवेंट हुआ था इसमें एक टीम बनी थी, मेंस की टीम, इसने गोल्ड मेडल जीता है. एंड इस टीम में आपके ओजस प्रवीण देवतले थे, ओजस प्रवीण देवतले. ठीक है, नेक्स्ट आपके जो थे अभिषेक वर्मा थे. ठीक है, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश समाधान जावकर. तो पीएस जावकर से आप उसको याद रखिए. ठीक है, बहुत बड़ा नाम ये रहता है तो याद करने में दिक्कत होती है. प्रथमेश एस जावकर, ये तीन पर्सन थे आर्चरी टीम में और इन्होंने अभी साउथ कोरिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाती है सियोल, यहाँ पे आपकी करेंसी है वॉन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है हान डक सू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश सेट टू गेट इट्स फर्स्ट एनिमल क्रिमेटोरियम. उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में पहला एनिमल क्रिमेटोरियम जो है वो खोला जा रहा है, ये आपको बताना है. ऑप्शंस हैं लखनऊ, गाजियाबाद, काशी या फिर वाराणसी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में यहाँ का जो है फर्स्ट एनिमल इलेक्ट्रिक एनिमल क्रिमेटोरियम जो है वो खोला जा रहा है. इसके पहले अगर हम उत्तर प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक एनिमल क्रिमेटोरियम की बात करें तो ये किसको, ये कहाँ पर खोला गया था, ये आपका 2022 में खोला गया था बनारस में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पहला उत्तर प्रदेश का पहला एनिमल क्रिमेटोरियम वाराणसी में और अभी लेटेस्ट में कहाँ पे ये जो है ओपन हो रहा है, ये हो रहा है लखनऊ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस वॉन गोल्ड इन मेंस जैवलिन थ्रो एट द 19th एशियन गेम्स. तो 19th एशियन गेम्स में मेंस कैटेगरी में जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसको मिला है. ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जीना, रॉड्रिक जेनकी डीन या फिर जैकब वाडलेच. तो इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, नीरज चोपड़ा को मिला है. एंड विमेन्स कैटेगरी में पहला जैवलिन थ्रो है, ठीक है, और ये किसको मिला है, अन्नु रानी को. ये भी आपका गोल्ड मेडल है, दोनों में ही गोल्ड मेडल दिए गए हैं. एंड सिल्वर मेडल भी इंडिया को ही मिला है, किशोर कुमार जीना को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2030 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कंट्रीज नहीं पूछ रहा है, कॉन्टिनेंट्स पूछ रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में जो है वो होस्ट किया जाएगा, 1, 2, 3 या फिर 4. तो करेक्ट आंसर है इसका 3. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें कि ये जो है होस्ट होगा, तो एक तो हो जाता है आपका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका. इसके अलावा है आपका यूरोप और साउथ अमेरिका. ये तीन कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर इसको होस्ट किया जाएगा. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर इसको होस्ट किया जा रहा है. ठीक है, ये देखिए आपसे पूछा भी गया है, 2030 का पूछा गया है. ठीक है, अभी जो आपका लास्ट फीफा हुआ था वो 2022 में हुआ था, नेक्स्ट 2026 में होगा, फिर उसके बाद 2030 में होगा. ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे 2022 से. तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो आपका होस्ट किया गया था वो कतर में होस्ट किया गया था, एक ही कॉन्टिनेंट में होस्ट किया था और वो कॉन्टिनेंट कौन सा था, एशिया. 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, वो तीन कंट्रीज में होगा. ठीक है, तीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कनाडा है, मेक्सिको है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं. और तीनों जो कंट्रीज हैं वो एक ही कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं. एक ही कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ
अमेरिका है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीफा कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट 2030 का जो फीफा है वो आपका तीन कंट्रीज तीन कॉन्टिनेंट, तीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मोरक्को हो गया, ठीक है, पोर्तुगल हो गया और स्पेन हो गया। तीन कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, एक तो है आपका अफ्रीका, दूसरा है आपका यूरोप एंड तीसरा है आपका साउथ अमेरिका, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वर्ल्ड जितने भी होस्ट कंट्रीज होती हैं, जितने भी होस्ट सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सभी कुछ याद रखा करिए, स्पेशली जैसे फीफा हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं आज हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, पढ़ाई तो होती रहती है बट थोड़ा सा आपका टेस्ट भी लेना ज़रूरी है, एक होमवर्क ज़रूर मिलना चाहिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कितना कुछ आप रिटेन कर पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2026, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि 2026 का जो आपका एशियन गेम्स होने वाला है उसको होस्ट करेगी। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शंस हैं आपके जकार्ता इंडोनेशिया, नगोया जापान, थर्ड ऑप्शन इज दोहा कतर एंड फोर्थ ऑप्शन इज रियाद सऊदी अरेबिया। इसका आंसर मैं आपको दूंगी कल के सेशन में, ठीक है, इसका आंसर मैं दूंगी आपको कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे।